चूजा और गोश्त सरदा है मेरे पास, ये कढ़ाई और बाकी बर्तन है और ये दो दुआने हैं, दो नाल एक तवा तपिया और ये काली साहब के पास गैस सिलेंडर है, दूध है, सब्जी और फ्रूट ड्रिंक्स, फ्रूट वगैरह है, फ्रूट है उनके पास। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, चलते 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 माशाल्लाह। सोने नाल न पित ये मैं हूँ जी, ठीक है। और ये हमारी पार्टी हो रही है और हम इस टाइम जा रहे हैं सुदन गली। ये पूरा काफिला है हमारा जी, 14 बंदों का। अपने नाजरीन के सामने हाजिर हो चुके हैं ब्रेक के बाद। दो टुकड़े हमने लहसुन की और एक टुकड़ा अदरक का लिया है जी जी माशाल्लाह। तो ये देखें इसको हमारे पास यही वसाइल दस्तियाब है माशाल्लाह। तो घर में कितनी सहूलती होती है, मशीन होती है और चटनी होती है, उसका भी सलाटा टूट जाता है बिल्कुल, इतनी बेहतियाती होती है माशाल्लाह। देखें ये क्या सीन बना हुआ है माशाल्लाह। और ये आप डालेंगे, ये देखें कितना प्यार इसका जबरदस्त पेस्ट तैयार हो गया माशाल्लाह। सुर में नाल ना कोले, उसको हमने पूरी तरह से इसमें मिला दिया, चूंकि हमारे पास बर्तन नहीं है ना, तो बर्तन की गैर मौजूदगी में घर की खवातीन के लिए ये देख लें ये कितना अच्छे तरह से ये इसको मिक्स हुआ। अभी ये मैरिनेट हो जाएगा और माशाल्लाह। तो चिकन के लिए इतना ज्यादा नहीं है कि आधा घंटा अगर वो मसाले में रहे तो वो मैरिनेट हो जाता है बिल्कुल। बोले कावादी की कदर मोहम्मद जिथे बुलबुल। इनको ज्वाइन किया उसामा भाई ने और इन्होंने जो है वो ये माशाल्लाह वो जो हमने बारबेक्यू के लिए जो है जगह माशाल्लाह देसी जगह हमने तैयार की है माशाल्लाह। वेरी टैलेंटेड ये अपने दिलदार भाई माशाल्लाह। की कदर मोहम्मद जिथे बुलबुल बोले। अमीर साहब इस वक्त जो हैं खाने का टाइम आ चुके हैं इस वक्त तेल लगाने। जिस यारी बिच लालच होवे, जिस यारी बिच लालच होवे, कदे ओ तोड़ ना चढ़दी चादर लीरो लीर मोहम्मद कंडिया नाल जोड़दी चादर लीरो। माशाल्लाह से और क्योंकि खीरे हम काट रहे हैं चूंकि वक्त हमारे पास बचा हुआ था तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा सलाद की तरफ तवज्जो दें बिल्कुल, और ये भी जरूरी चीज है। लीर मोहम्मद कंडिया नाल जोड़दी दुनिया ते जो कम ना आया, दुनिया ते जो कम ना आया। भी कैसे हैं? ठीक ठाक, क्या कर रहे हैं जी? ये कढ़ाई बना रहे हैं हम यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सामान काट रहे हैं आप, मिर्चे, ये तो फैल भाई हमारे माशाल्लाह। मैं जी ये डस्टबिन और साफ सुथरा रखना बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर जब हम जाएंगे ना जी जी यहाँ से शुक्रिया के अलावा कोई चीज यहाँ पर नजर आएगी बेशक बेशक। जुस्कार भाई आप क्या कर रहे हैं? बस हम सारे माहौल को अच्छा अच्छा आप देख रहे हैं सर, ये हमारे टू आई सी हैं लियाकत भाई के पास, ये हमारा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम सी लेवल से तकरीबन 6,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और इस वक्त हम आपके सामने पेश करेंगे जजा फूड बाय जुनेद शमशेद जमशेद की पिशावरी कढ़ाई और ये इस वक्त आपके सामने तैयार हो रही है माशाल्लाह। अभी हम आपकी उनकी डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात करवाते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, हम आपको उनके डिस्ट्रीब्यूटर से इस वक्त मुलाकात कराते हैं। गर्मी जनाब इब्रार अहमद खोगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नहीं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपने? ठीक है। इस वक्त आप माशाल्लाह से पिशावरी कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, जजा फूड की ये पिशावरी कढ़ाई है और ये उनके बहुत अच्छे ये रेसिपीज हैं, जितनी भी बहुत अच्छे मसाला जाते हैं जी और जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की हम कोशिश करते हैं उनकी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जी जी। और यहाँ पे झेलम वैली में ठीक ठाक इनका जो है हमने प्रमोशन की हुई है
तो अच्छा काम चल रहा है। हमने जितने भी मसाला जात यूज़ करते हैं, हम टिक्का बना रहे हैं तो जिजा फूड के स्पेशल टिक्का केमिकल के बगैर, ये मसाला जात हैं जितने मसाला जात हैं इनके केमिकल के बगैर हैं। हमने जितने 20 घरों में मैंने चाट खाया माशाल्लाह ईद के मौका पर, और यकीन माने कि मेरा कहीं भी पेट खराब नहीं हुआ माशाल्लाह। और पिछले साल मेरा इतना पेट खराब हुआ, वजह जिजा फूड का जो चाट मसाला है उसमें कोई केमिकल नहीं है, आपके मैदे में कोई मसला नहीं हुआ होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, रूह अफजा में हम इस्तेमाल करते थे करशी वालों का, दूसरा वो जितने भी हैं उनमें केमिकल है और मैदे को जलन देते हैं। जजा का जो जामे ख़ास है उसमें कोई मैदे में जलन नहीं है किसी किस्म की, हमने खुद ट्राई किया किसी किस्म की उसमें जलन नहीं महसूस होती। बाद में जब एक दो घंटे के बाद आप पेट फूल जाना वो कोई इस तरह का मसला नहीं। दुनिया ते दिल लाना इस बोटी लख खावंद कीते जो कीता सो खाना, इस बोटी लख खावंद कीते जो कीता सो खाना। सोने के बाद मैं दोबारा हाजिर हो गया हूँ। अभी हम जो है वो इस वक्त आखिरी मराहल में है, इस वक्त हमारी जो है वो सीखें तैयार हो रही हैं। इस वक्त चिकन टिक्के बेहतरीन किस्म के माशाल्लाह, और इस वक्त ये तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। दिलदार भाई एंड कंपनी, उसामा भाई शेफ साहब, हमारे सीनियर शेफ डॉक्टर वकालत हसन कोकर साहब, पार्ट टाइम शेफ ऑल टाइम डॉक्टर। ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओड़क नू डूब जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओ